बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं रुद्राम रोली और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आपको बता दें कि इस दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको पहले पूरी इस प्रक्रिया के बारे में बता दें कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। सबसे बड़ी खुलासा आज हुआ है कि जो मंदिर तोड़ा गया था वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीडीए ने अपनी मर्जी से उस मंदिर को तोड़ा था। जी हां, आपको पूरी वो वाक्या बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। पहले पूरी प्रोसेस के तहत बता दें कि 10 अगस्त को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ गिराया था। ऐसी चर्चाएं लोगों के बीच में थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद डीडीए ने संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर को तोड़ दिया था 10 तारीख को, जो तुगलकाबाद में स्थित था। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद दलितों की ओर से पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए। दिल्ली के अंदर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें 5-7 लाख लोग एकत्रित हुए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली के तुगलकाबाद में बहुत बड़ा बवाल भी 21 अगस्त को हुआ, जिसके बाद 96 साथी गिरफ्तार है और अभी भी वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन आपको बता दें कि आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई उस मामले में हुई थी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और दलित नेता अशोक तंवर के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। और उस याचिका की सुनवाई पिछले शुक्रवार को हुई थी, जिसमें आज सोमवार को सुनवाई फिर से होनी थी। शुक्रवार को सोमवार के लिए आवेदन दिया गया था और आज सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बयान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर को नहीं तोड़ने का आदेश दिया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल अतिक्रमित जो भाग था, यानी कि जिस क्षेत्र में अतिक्रमण था, उसको ढाने के लिए कहा था। लेकिन जो डीडीए थी उसने जबरदस्ती कार्यवाही करते हुए पूरा का पूरा मंदिर तोड़ दिया। और मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि आज सुनिए सुप्रीम कोर्ट के उन वकीलों की वकालत जो कि इस मामले के आज सुनवाई कर रहे थे और अंदर दाखिल थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये बयान, सबसे बड़ा बयान यही है कि आज ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मंदिर तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, बल्कि खुद डीडीए ने अपनी मर्जी से अतिक्रमित भाग की बजाय पूरे मंदिर को ही ढा दिया। सुनिए क्या कुछ वकील कह रहे हैं। मुख्य है वो यही है कि यहाँ ये जो स्थान था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी आदेश नहीं किया था कि मंदिर को तोड़ दिया जाए। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की बात थी, उसके उसमें मंदिर को भी तोड़ दिया गया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। दूसरी, वहाँ पूजा अर्चना का जो अधिकार है वो